नमस्कार, कार्यक्रम खेल खिलाड़ी में आप सभी का स्वागत है। आज हम मौजूद हैं महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज रायपुर देहरादून में, जहां की राज्य स्तरीय बैडमिंटन प्रतियोगिताओं का आयोजन हो रहा है, जहां की विभिन्न वर्गों में अंडर 12, अंडर 14, अंडर 17 गर्ल्स कैटेगरी में मैचेस खेले जा रहे हैं और बहुत इंटरेस्टिंग मैच हो रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो पाएंगे कि कैसे खिलाड़ी एक दूसरे के खिलाफ एक एक पॉइंट अर्जित करने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं और एक दूसरे पर दबाव डाल रहे हैं। आइए अब देखते हैं कुछ मैचों की झलकियां और एक फाइनल मैच जो कि देहरादून और पौड़ी के बीच खेला जा रहा है अंडर 12 गर्ल्स कैटेगरी में। रेफरी द्वारा टॉस किया जा रहा है। और पहला पॉइंट शांभवी ने प्राप्त किया, इस प्रकार वन लव स्कोर शांभवी के पक्ष में। टू लव सर्विस बाहर और वन टू टू शांभवी थ्री। फोर टू स्कोर। फाइव टू शांभवी सर्विस करती हुई। थ्री फाइव फाइव ऑल। सिक्स फाइव शांभवी द्वारा। सिक्स एट सिक्स नाइन सिक्स आउटसाइड सर्विस चेंज एट टेन नाइन टेन सिद्धि द्वारा शानदार फोरहैंड से ड्रॉप यहाँ पर खेला गया। सिद्धि ट्वेल्व शांभवी इलेवन। सिद्धि और नेट पे एक खराब स्ट्रोक शांभवी रोथान के द्वारा अपने ही नेट में उन्होंने शटल को खेल लिया। सिद्धि 15 और शांभवी 11। शानदार शॉट शांभवी के द्वारा, शानदार स्मैश यहां पर किया गया। शांभवी सर्विस करती हुई इस बार सिद्धि ड्रॉप शॉट नहीं खेल पाई, अपने ही जाल में मार दिया और स्कोर 14 शांभवी। बाहर शटल को
मार दिया है सिद्धि रावत ने, शांभवी 15 सिद्धि 17। क्रॉस कोर्ट स्मैश मारना चाहती थी शांभवी रथान लेकिन शटल लाइन से बाहर, और ये पुनः शानदार शॉट। और 1916 से सिद्धि आगे चलती हुई लगातार। शांभवी का शानदार स्मैश। जिससे कि एक अंक सिद्धि रावत को प्राप्त हुआ और शानदार क्रॉस को ड्रॉप शॉट यहां पर शांभवी रथान के द्वारा 2-3 स्कोर। दूसरा सेट यहां पर खेला जा रहा है। और आउटसाइड शटल शांभवी द्वारा खेला गया जिससे एक अंक सिद्धि रावत को प्राप्त हुआ, 4-2 स्कोर। शानदार ड्रॉप शॉट यहां पर ड्रिबल यहां पर किया गया सिद्धि रावत के द्वारा, 7-3 सिद्धि के पक्ष में। राइट 4-7 चलता हुआ यहां पर। आउटसाइड 8-5 से इस दूसरे गेम में लगातार से आगे चलती हुई सिद्धि रावत और शांभवी रथान के द्वारा शानदार फोरहैंड स्मैश, शानदार ड्रॉप, शानदार ड्रिबल यहां पर शांभवी रथान के द्वारा। बैकहैंड से नेट पे खेला गया था 10-16 स्कोर। सिद्धि रावत 17-10 शांभवी। शानदार रिसेप्शन यहाँ पर सिद्धि रावत। पुनः नेट पर एक पॉइंट सिद्धि रावत ने प्राप्त किया 10-2। आउट 3-10 स्कोर तीसरे और निर्णायक गेम में। शानदार क्रॉस को ड्रॉप शॉट सिद्धि रावत के द्वारा 7। सिद्धि रावत लगातार बढ़त बनाए हुए। बहुत ही शानदार क्रॉस को ड्रॉप शांभवी रथान के द्वारा 15-8।
16 सिद्धि रावत लगातार बढ़त बनाए हुए, 9 शांभवी। एटीन स्कोर चलता हुआ सिद्धि रावत 18। और क्रॉस कोर्ट स्मैश मारने की कोशिश की गई थी शंभर रथवाणी द्वारा, लेकिन नेट पर ही शटल को खेल दिया उन्होंने, जिससे कि 19 सिद्धि। और इस प्रकार सिद्धि 20, शांभवी 12, मैच पॉइंट सिद्धि रावत के लिए। और तीसरा और निर्णायक सेट यहां पर सिद्धि रावत ने 21-12 से जीत चुकी हैं। आइए बात करते हैं कुछ खिलाड़ी और उनके अभिभावकों से, और जानते हैं कैसे उन्होंने अपने बच्चों को तैयार किया है इस मंच पे आने के लिए और यहाँ पर अपना हुनर दिखाने के लिए। मुझे बैडमिंटन खेलने के लिए सबसे ज़्यादा मेरे पापा ने इंस्पायर किया है, और मेरी मम्मी ने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया है, और मेरा भी फ़िलहाल में अंडर 12 कैटेगरी में खेल महाकुंभ में अभी शांभवी के साथ मैच था, जिसमें मैंने 3 सेट से उसको हराया, और मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है अभी तक का। मुझे और इम्प्रूवमेंट की थोड़ी और ज़रूरत है, इसलिए मैं और कोशिश करूँगी कि और अच्छा खेल सकूँ और मेहनत कर सकूँ आगे के लिए। और मैं उत्तराखंड को भी रिप्रेजेंट कर चुकी हूँ, और चाहती हूँ कि अब इंडिया को रिप्रेजेंट करूँ। प्रैक्टिस मैं बस जब छुट्टियाँ पड़ती हैं हमारी, तो हम सुबह भी कभी कभी चल जाते हैं प्रैक्टिस के लिए, लेकिन मैं अपना रेगुलर पढ़ाई भी करती हूँ और 2 घंटा शाम को प्रैक्टिस भी करती हूँ। पौड़ी से हूँ और मैं रिप्रेजेंट भी पौड़ी को करूँ, अंडर 12 कैटेगरी में मेरा सिल्वर है। प्रैक्टिस वहाँ अच्छी होती है, मतलब रनिंग, कोर्ट रनिंग, फिज़िकल में ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। डाइट में जंक फूड से दूर रहती हूँ, चिप्स वगैरह से भी दूर रहती हूँ। अभी तो मेरी सोच ये है कि बच्चा, हार जीत से मुझे कोई मतलब नहीं है, पर ये है कि बच्चा मेहनती बने और आगे खेले। बस ये वहाँ पे कंडीशन तो बहुत वह है, यानी फैसिलिटी ज़्यादा नहीं है कि बच्चे को मिल पाए, और स्कूल सुबह शाम जो इसकी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस चलती है वहाँ पे, जो बस मेरी सोच जीत हार से कोई मतलब नहीं है, ये है कि बच्चा मेहनती बने और बच्चा खेल में बहुत सीखता है। मैं रुद्रप्रयाग से खेली हूँ, डबल्स में अंडर 12 डबल्स में गोल्ड जीता है, और मेरे पापा मम्मी मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। प्रैक्टिस हम छुट्टियों में सुबह शाम दोनों टाइम, और जब स्कूल रहता है तो दिन में मतलब शाम को, और मैं स्कूल भी जाती हूँ रेगुलर, और पढ़ाई और खेल को बैलेंस करके रखती हूँ। मैं अंडर 14 डबल्स में खेल रही हूँ, मैं ब्रॉन्ज जीती हूँ। मुझे फैमिली ने तो बहुत सपोर्ट किया, बीच बीच में हमने ब्रेक्स भी लिए, बट फाइनली मुझे सबसे ज़्यादा सपोर्ट मेरी मम्मा और पापा और मेरी 2 मैम्स का है। मेरा नाम एना शर्मा है और मैं अंडर 14 में मैंने डबल्स रिप्रेजेंट किया है हरिद्वार को, और हमने ब्रॉन्ज जीता है। कहीं ना कहीं बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है जब हमें पढ़ाई के साथ साथ प्रैक्टिस भी करनी पड़ती है, तो बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे ही हम स्कूल से आते हैं वैसे ही प्रैक्टिस के लिए जाना पड़ता है, और ज़्यादा टाइम भी नहीं दे पाते हैं, बहुत थक जाते हैं। बट फिर भी मेरी फैमिली मुझे बहुत सपोर्ट करती है, मम्मा सबसे ज़्यादा मम्मा सपोर्ट करती है, और सब मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। अभी मैं अंडर 14 बालिका में गोल्ड मेडल जीती हूँ खेल महाकुंभ में, और मेरी फैमिली ने भी मेरे को बहुत सपोर्ट कर रखा है। यहाँ ये मुकाम तक जीती हूँ, तो इस वजह से मुझे इस
मेरे से ज़्यादा खुशी मेरी फैमिली और सर पे है। और मैं देहरादून में ही प्रैक्टिस करती हूँ और मैं बाहर भी जाती हूँ रैंकिंग खेलने। तो अब मेरा अंडर 15 का फर्स्ट ईयर है, तो इस वजह से अब मुझे और मेहनत करनी है। तो मेरी यही इच्छा है और मेरी सबसे ज़्यादा इच्छा ये है कि मैं इंटरनेशनल खेलूँ और देश का नाम रोशन करूँ। आइए अब बात करते हैं डॉक्टर जगदीश नेगी से और बैडमिंटन के कुछ पहलुओं के बारे में उनसे जानकारी प्राप्त करते हैं। इसी खेल में मेरी विशेष योग्यता भी है, मैं स्वयं भी जो है बैडमिंटन में राष्ट्रीय स्तर पर मेरे द्वारा जो है 6 बार प्रतिभाग किया गया है और हमारे विभाग द्वारा ये जो खेल महाकुंभ प्रतिवर्ष यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है, ये आने वाले समय में निश्चित इसके जो है बहुत ही बेहतर परिणाम आपको इसके देखने को मिलेंगे खिलाड़ियों के, क्योंकि विभाग द्वारा जो प्रतियोगिता यहाँ पर आयोजित करवाई जा रही है पिछले 3 वर्षों से, ये जो है काफ़ी छोटी आयु के वर्ग से प्रारंभ है, जैसे अंडर 12, अंडर 14, अंडर 17, अंडर 21, प्रत्येक आयु वर्ग के बच्चों को, मतलब हम लोग नीचे स्तर से, नए पंचायत स्तर से, विकासखंड स्तर से और उसके बाद जनपद और राज्य स्तर पर यहाँ पर प्रतियोगिता आयोजित की जाती हैं प्रत्येक खेल में। तो मैं विशेषतर बैडमिंटन खेल के बारे में यहाँ पर थोड़ी सी जानकारी देना चाहूँगा। वर्तमान समय में हमारे देश में क्रिकेट के बाद सर्वाधिक लोकप्रिय खेल बैडमिंटन है। आप कहीं भी देखेंगे तो सबसे ज़्यादा भीड़ आपको बैडमिंटन खेल में यहाँ पर दिखाई देगी। आप जगह जगह जहाँ पर भी जाएंगे सबसे ज़्यादा आजकल बैडमिंटन में बच्चों का जो है इसमें विशेष रुझान है। और बैडमिंटन मूल रूप से जो है सिंगल्स और डबल्स दो रूप में यहाँ पर खेला जाता है, दो रूप में जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसमें प्रतियोगिताएँ आयोजित की जाती हैं। और बच्चा प्रारंभ तो किसी भी रूप में करता है बैडमिंटन खेलते हुए, लेकिन जब वो अपनी उसकी विशेष योग्यता को देखते हुए फिर एक आयु के पश्चात 15 या 16 वर्ष की आयु के पश्चात ये महसूस हो जाता है कि वह सिंगल्स में ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकता है या डबल्स में, क्योंकि डबल्स खेल थोड़ा सा अधिक तेज़ खेला जाता है, डबल्स खेल के लिए थोड़ी ज़्यादा फुर्ती और पावर की आवश्यकता होती है, जबकि सिंगल्स खेल के जो कि एक लंबा खेल चलता है जिसके लिए कि थोड़ा सा इंड्योरेंस या जिसको हम पुरानी भाषा में स्टेमिना कहते हैं उसमें अधिक स्टेमिना की आवश्यकता होती है और डबल्स में स्पीड और पावर की ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो प्रारंभ में तो सभी खिलाड़ी इसको जो है सिंगल्स डबल्स ऐसे मिक्स रूप में खेलते हैं, लेकिन 15-16 वर्ष की आयु के पश्चात जो है उनमें जो भी उनके शरीर में जो एबिलिटी होती है उसके हिसाब से वो खिलाड़ी जो है सिंगल्स और डबल्स के खिलाड़ी बनता है। बैडमिंटन खेलने के लिए आपको जो है नियमित रूप से फिजिकली फिट होने के लिए आपको जो है कम से कम 2-3 घंटे आपको जो है फिजिकल फिटनेस के लिए अपने जो है उसमें विशेष ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि आजकल एक एक 1.25 घंटे के और 1.5 घंटे के जो है सिंगल्स के मैचेस होने लगे हैं और इस पूरे समय में आपको लगातार खेलने के लिए आपको इतनी ही प्रैक्टिस की आवश्यकता होती है। और जितना आप जो है इस खेल के लिए प्रैक्टिस करते हैं उतनी ही आपको जो है अपनी फिजिकल पे भी जो है इसका ध्यान देना पड़ता है। आपको अपनी पूरी बॉडी की जो है फ्लेक्सिबिलिटी आपकी चाहिए, स्पीड चाहिए, एंड्योरेंस चाहिए, सारी चीज़ों का समावेश आपको चाहिए। फ्लेक्सिबिलिटी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता बैडमिंटन खेल में होती है, क्योंकि खिलाड़ी को पूरा कोर्ट कवर करना होता है और साथ ही साथ उसको जो है जंप वगैरह करके जो है शटल कॉक पर शीघ्र से शीघ्र पहुँचने के लिए जो है मसल्स का प्रयोग इसमें किया जाता है। इसलिए जो है पूरे शरीर का जो है इसमें जितनी मसल उनका यूज़ होता है सारे खिलाड़ियों को इसमें जो है विशेष तौर पे अपने फिजिकल फिटनेस पे विशेष ध्यान देना पड़ता है। और उसके बाद जो है स्किल का जो पार्ट है वो आता है, वो खिलाड़ी जो है कोर्ट के अंदर उसके लगातार प्रैक्टिस करके जो है अपने स्किल को यहाँ पर डेवलप करता है। तो ये प्रारूप जो यहाँ पर भी जो है अंडर 12, 14, 17 और 21 में जो यहाँ पर बैडमिंटन की जो प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है उसमें इसी तरह से है कि जो बच्चा अभी प्रारंभिक अवस्था में है, जो अंडर 12 का हमारा बच्चा है जो कि अभी बैडमिंटन प्रारंभ कर रहा है, उसके लिए भी यहाँ पर प्रतियोगिता आयोजित की गई है ब्लॉक स्तर से, जनपद स्तर से, कि बच्चा वहाँ से छट के आएगा, जो वहाँ से प्रथम स्थान प्राप्त किया होगा वो जनपद में जाएगा, जनपद से स्टेट में जाएगा, फिर इसके बाद यहाँ पर प्रतिभावान जो भी हमारे जो खिलाड़ी होते हैं उनको छांटा जाता है और उनके लिए भी आगे जो है प्रोग्राम यहाँ पर बनवाए जा रहे हैं जो प्रतिभावान खिलाड़ी हैं। तो अंडर 12, अंडर 14 इस
एज ग्रुप से जब जो है खिलाड़ी जो है लगातार प्रतियोगिताएँ खेलेंगे तो उनमें निखार आएगा और आगे बढ़ने की जो एक खिलाड़ी के अंदर जो भूख होनी चाहिए, जो इच्छा होनी चाहिए, वो भी जो है कंपटीशन में जो है उनकी कंपटीशन के माध्यम से जो है वो डेवलप होती है कि खिलाड़ी को कि मुझे जीतना है, मुझे आगे बढ़ना है। तो इसके लिए ये इस तरह की जो प्रतियोगिताएँ की जाती है और उसमें यह खेल महाकुंभ का जो है बहुत महत्वपूर्ण जो है रोल यहाँ पर जो है निभाया जा रहा है और आने वाले समय में इसके बेहतर परिणाम जो है आप सभी को दिखाई देंगे। खेलों के आयोजनों में सामान्यतः हम एक बात देखते हैं कि कैसे खिलाड़ी जब ऐसे मंच पर पहुंचते हैं अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए तो उनके अभिभावकों, उनके कोचों और उनके जो फैमिली सपोर्ट होता है वो उनके कोर्ट पर दिखता है, क्योंकि जब वो एक एक अंक के लिए जूझ रहे होते हैं और एक दूसरे पर दबाव डाल रहे होते हैं कि वो कोई गलती करें और हम उससे अंक अर्जित करें, तो वो चीज़ें, वो जो मेहनत करते हैं वो चीज़ें उसके मैच पर साफ साफ दिखती हैं। इसी के साथ आज का कार्यक्रम यही समाप्त होता है। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।